हाय गाइज, मैं हूँ सीता और आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्दी ट्विस्ट में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिहार की फेमस डिश लिट्टी चोखा रेसिपी, और ये एक हेल्दी रेसिपी भी है। तो आइए फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो गाइज, मैंने यहाँ पर 3 मीडियम आकार के बैंगन, 1 लहसुन की गांठ और 2 मीडियम आकार के टमाटर लिए हैं। अब सबसे पहले मैं इनको ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। ऑयल से इसलिए ग्रीस कर रही हूँ क्योंकि जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो इनका छिलका आसानी से निकल जाएगा। मैं इनको ओवन में रोस्ट करूँगी, आप चाहें तो गैस के ऊपर जाली रख के भी इनको रोस्ट कर सकते हैं। और मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है 10 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे। और अब मैं इनको ओवन में रख दूंगी 45 मिनट्स के लिए। अगर आप भी ऐसे ही माइक्रोवेव में रोस्ट करें तो बीच में पहले लहसुन की गांठ को चेक कर ले, अगर रोस्ट हो जाए तो निकाल ले। अब मैं यहाँ पर आटा लगा लूंगी। तो मैंने 2 कटोरी यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है और 1 चम्मच मैं इसमें अजवाइन ऐड कर दूंगी। 2 से 2.5 चम्मच ऑयल, 1 मोयन के लिए ऐड कर रही हूँ, और स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लूंगी। जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे आटा थोड़ा टाइट होना चाहिए, नहीं तो जब आप फिलिंग करते हैं और जब लिट्टी को आप कटोरी नुमा शेप देके उसमें सत्तू मसाला फिल करते हैं तो वो उंगलियों पे आटा वापस चिपक जाता है, तो इसलिए आटा थोड़ा सा टाइट करना ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लूँगी। लिट्टी चोखा एक हेल्दी डिश है, तो अगर आप कहीं जाते हैं सफ़र में तो आप 2-3 दिन के लिए बना के और उसे चाय के साथ खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। तो आटा हमने लगा लिया, मैं 10 मिनट के लिए इसको कपड़े से ढक कर रख दूँगी। अब मैं सत्तू मसाला तैयार करूंगी। तो 1 कटोरी मैंने सत्तू लिया है, सत्तू का आटा, और 1 चम्मच मैं इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर दूंगी, और 2 मैंने छोटी हरी मिर्ची बारीक काट ली है ये ऐड कर दूंगी, और 1 छोटी प्याज मैंने बारीक काट ली है ये ऐड कर दूंगी, और 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। थोड़ा मॉइस्चर होना इसमें ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये बिल्कुल सूखा सूखा लगता है। अगर आप कई दिन के लिए बना रहे हैं तो आप इसे सूखा सूखा रख सकते हैं, और अगर आपको तुरंत ही खाना है थोड़ी सी बनाने तो थोड़ा सा मॉइस्चर डालना ज़रूरी है। तो स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आमचूर मैंने इसलिए डाला क्योंकि अभी मेरे पास अचार का मसाला नहीं है। आपके पास अगर आम के अचार का मसाला हो तो आप ऐड कर सकते हैं। डेढ़ चम्मच मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसको। तो सत्तू मसाला तैयार है, और यहाँ पे मेरे बैंगन और टमाटर भी रोस्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इनको गरम गरम ही इनका छिलका निकाल लूँगी।
मैं इनको गरम गरम छील के मैश कर लूँगी। गरम गरम जो हम मैश करते हैं तो आसानी से अच्छे से मैश हो जाता है। पर हाँ, अगर आप इनको थोड़ा ठंडा थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, 3-4 मिनट के लिए ठंडा करके भी छील सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टमाटर और बैंगन को अच्छे से छील लिया है, और अब मैं टमाटर का जो नक्कू वाला हिस्सा है वो थोड़ा टाइट है तो वो निकाल देती हूँ। और अब मैं इनको चाकू से थोड़ा मैश कर लूँगी। आप चाहे तो चाकू से भी मैश कर सकते हैं, मैशर से भी कर सकते हैं। और अब मैं लहसुन की गांठ को भी छील लूँगी। और मैंने 2 उबले हुए आलू पहले से उबाल के रख लिए थे, और बारीक कटा हुआ धनिया मैं इसमें ऐड कर दूंगी। स्वाद अनुसार नमक। थोड़े से रेड चिल्ली फ्लेक्स। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब मैं आलू भी इसी में डाल दूंगी। और अब इनको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मैश कर लूँगी। अभी टमाटर और ये बैंगन गरम है तो ये आसानी से अच्छे से मैश हो जाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें ऑयल का यूज नहीं किया जाता है। वैसे आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच पका हुआ तेल डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला है यहाँ पे। जितना हम तेल की चीज़ें कम खाएंगे उतना ही अच्छा है। तो देखिए, हमारे चोखा अच्छे से मैश हो गया है। और अब इसको मैं इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो हमारा हेल्दी चोखा बनकर तैयार है। और अब मैं यहाँ पे लिट्टी तैयार करूँगी। तो जैसे हम रोटी के लिए लोई लेते हैं, वैसे ही मैं एक पेड़ा बना लूँगी और दोनों हाथों की उंगलियों की मदद से इसे कटोरी नुमा शेप दूँगी सत्तू मसाला फिल करने के लिए। और अब मैं इसमें 1 चम्मच सत्तू मसाला ऐड कर दूंगी, और इसको दोनों हाथों की उंगलियों की मदद से इसको बंद कर दूंगी। देखिए, ऐसे हमें इसे बंद कर देना। आप चाहे तो लिट्टी गोल भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी चपटी बनाई है, थोड़ा सा हथेली से उसे दबा दें। अब ऐसे ही करके सारी लिट्टी मैंने यहाँ पे भर ली है, लिट्टी बना ली है। और अब मैं इनको 200 डिग्री सेल्सियस पे रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए ओवन में। तो लिट्टी हमारी
रोस्ट हो चुकी है और बिल्कुल ही हल्का कलर आया है। तो ये वैसे रोस्ट हो चुकी है, आप ये मत समझिएगा कि ये अभी रोस्ट हुई नहीं है, बस मैं इनको यहाँ पे गैस पे थोड़ा कलर देने के लिए भून रही हूँ ताकि ये दिखने में थोड़ी अच्छी लगे। तो ऐसे ही मैं एक एक करके सारी लिट्टियों को कलर दूंगी गैस पे। ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और अब मैं इस पे थोड़ा सा देसी घी लगा दूंगी, ये दिखने में और भी अच्छी लगेंगी। और अब जब आप खाएं तो गरम गरम खाएं, और बीच में आप फोड़ के इसमें देसी घी डाल के भी खा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है और बहुत टेस्टी लगती है। और अब बारी है प्लेटिंग की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप अपने अनुभव मुझे शेयर करिए, ज़रूर कीजिएगा। तो तैयार है हमारी लिट्टी। और ये चोखा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? और हाँ, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा प्लीज, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर कोई नई रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।